फेसबुक यानी मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने एलन मस्क के ट्विटर को चुनौती देते हुए एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप का नाम है थ्रेड्स। ये भी टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्जेशन ऐप है और इसके जरिए आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे ये ट्विटर के लिए खतरनाक हो सकता है? थ्रेड्स कैसे मार्केट में ट्विटर के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है? चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं और ये भी बताएंगे कि इस नए ऐप के कौन कौन से फीचर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस तरह की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज हम थ्रेड्स की। ये एक नया ऐप है जो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल स्टोर पर मौजूद थ्रेड के फीचर्स के बारे में। जिस तरह से यूजर ट्विटर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक उस तरह से ही थ्रेड के जरिए भी यूजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से थ्रेड्स में लॉग इन कर सकते हैं। चूंकि ये इंस्टाग्राम के जरिए लॉगिन होगा, इसके चलते इस प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यूजर्स को फॉलो कर पाएंगे। मेटा ने थ्रेड ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए बनाया है और इसे भी गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थ्रेड के साथ आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस क्रिएटर को फॉलो करते हैं वो पहले से ही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट और थ्रेड पर मौजूद हो। आप जाकर ऐप डाउनलोड कर इंस्टाग्राम के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आप लोगों से चर्चा भी कर सकते हैं। यूजर अपने आइडिया और ओपिनियन को थ्रेड पर शेयर कर सकते हैं, जैसा कि वो ट्विटर पर करते हैं। इसके साथ ही थ्रेड ऐप यूजर की फाइनेंशियल जानकारी और कॉन्टैक्ट डेटा कलेक्शन अपने पास करेगा। हो सकता है कई यूजर्स को ये पसंद ना आए, लेकिन ये थ्रेड का इनबिल्ट सिस्टम है। ट्विटर में अब तक पोस्ट करने की लिमिट 280 वर्ड्स थी, लेकिन थ्रेड में आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर 500 से ज्यादा वर्ड्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसके अलावा आप थ्रेड में 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो भी लगा सकते हैं। थ्रेड में 5 मिनट तक के वीडियो लिंक या फोटो को ऐड कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार मेटा प्रोजेक्ट 92 के तहत जनवरी से ही इंस्टाग्राम ऐप के जरिए थ्रेड को विकसित कर रहा था। थ्रेड में दिए गए फीचर्स से ये तो साफ है कि इसे ट्विटर के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है और ये सीधे तौर पर जकरबर्ग की ओर से मस्क को तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जानकार थ्रेड को ट्विटर का क्लोन बता रहे हैं। बात की जाए एलन मस्क की ट्विटर की, तो जब से एलन मस्क ट्विटर के सीईओ बने उसके बाद से ट्विटर में कई बदलाव किए गए। वेरिफिकेशन से लेकर पोस्ट को लेकर कई तरह की परेशानियां यूजर्स के सामने आई और लगातार बदलाव को लेकर एलन मस्क की आलोचना भी कई बार की गई। ऐसे में इस मौके पर खासकर थ्रेड्स को लॉन्च करना ट्विटर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि इससे मेटा को बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।